Great. Good afternoon, guys. I'm Kanchan Gupta. So here I'm welcome you all. So guys, SSB and SSB जो ओडिशा का है and UGC NET का पेपर है and two more papers are coming around. तो उस पेपर की तैयारी ऑलमोस्ट जो सिलेबस है ना आधे से ज़्यादा सेम है. ठीक है, तो उसमें रूसो एंड जो आज का टॉपिक है डीवी, रूसो एंड डीवी जो टॉप जो फिलोसोफर हैं दे आर कमिंग अप इन द SSB ओडिशा जो है लेक्चरशिप एग्जाम है जो नॉन एडेड जो गवर्नमेंट होते हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं फॉर दैट पोस्ट के लिए. पोस्ट बहुत ही कम है, आई थिंक 56-59 ही पोस्ट हैं. तो उस चीज़ के लिए ही मेहनत चल रही है. सो चलिए, अच्छी बात है. मेहनत से ज़्यादा हमें प्रैक्टिस की तरफ फोकस करना चाहिए. सो क्योंकि मैं ये क्लास लाइव लेने वाली थी लेकिन मुझे लगता है यहाँ पर जो स्पीड है वो बहुत ही इंटरनेट स्पीड बहुत ही कम है तो मैं इसलिए रिकॉर्ड कर रही हूँ. ठीक है, मेरे सेशन को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा. जितना ज़्यादा आप लाइक करेंगे उतना ज़्यादा मुझे अप्रिसिएशन मिलेगा फॉर और अच्छा सा काम करने का. सो इसमें मैं आज जो है आपसे डिस्कस कर रही हूँ रूसो प्लस जो है येस गाइस. सो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को. हम आज करेंगे दो टॉपिक्स हैं, रूसो एंड रूसो डीवी, रूसो एंड डीवी. सो येस, मुझे एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी शेयर करना है आप लोगों के साथ. इफ़ यू वांट अ पीडीएफ, फ्री पीडीएफ है ऐसा कुछ, इसके लिए मुझे जो है इसमें मैंने ज़्यादा कॉस्ट रखी नहीं है. तो फिलहाल एग्ज़ाम तक तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये फ्री है. ठीक है, इस बारी फर्स्ट टाइम जो एग्ज़ाम के लिए सबके लिए फ्री है तो अच्छा है, आप उसको फटाफट से डाउनलोड कर लीजिएगा. ठीक है, तो आप मेरी ऐप डाउनलोड कर लीजिए, JRF Milestone Education. यहाँ पर आपको SSB के जो ये PDFs हैं, अभी मैंने सिर्फ यूनिट वन ही अपलोड किया है, बाकी जो चार यूनिट्स हैं वो भी मैं सून जो है अपलोड कर दूँगी क्योंकि मेरे बच्चों के 4 दिन की छुट्टी है. तो जितना मुझे ज़्यादा टाइम मिलता है मैं उतना अपलोड कर देती हूँ या काम कर लेती हूँ, बट एज ऑफ मदर फर्स्ट ड्यूटी मेरी जो है बच्चों के लिए रहती है. चलिए, अपार्ट फ्रॉम दैट JRF Milestone Education आप अपलोड कर लीजिएगा. आपको यहाँ पर आपको वेस्ट बंगाल जो वेस्ट बंगाल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उसके PDF भी अवेलेबल है. इवन UGC NET की हर एक जो यूनिट है वो भी यहाँ पे अवेलेबल है. ठीक है, बस एक यूनिट रिसर्च की नहीं है, वो भी मैं जल्दी ही अपलोड कर दूंगी. बस टाइम थोड़ा टाइम इशू रहता है, अदरवाइज मन में काम करने की इच्छा बहुत है. एनीवेज ये है व्हाट्सएप नंबर, इफ यू वांट टू जॉइन मी ऑन व्हाट्सएप ग्रुप पे अगर आप चाहते हैं मेरे साथ ज्वाइन होना तो आप ये नंबर जो है मुझे इस पर हाई लिख के भेज सकते हैं और मैं आपको जो है ग्रुप में ज्वाइन कर लूँगी. ओके, सो हम आगे बढ़ते हैं, अपने रूसो की फिलोसफी पर पढ़ते हैं बिकॉज SSB पेपर का सिलेबस है. टैगोर, गांधी एंड कृष्णमूर्ति ये सब की प्लेलिस्ट जो है ना मैंने ऐप पर दे रखी है और जो कि फ्री है. ठीक है, तो आप अच्छे से PDF डाउनलोड करके ना काफ़ी एक एक चीज़ है और मैं आपको इस चीज़ का एश्योरेंस दे रही हूँ, अपार्ट फ्रॉम दीज PDFs आपका कहीं से कुछ नहीं आ सकता. इतनी ये एक्सपीरियंस, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से एक्सपीरियंस्ड हूँ और मुझे पता है कि क्या क्या इंक्लूड करना चाहिए और क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं एग्ज़ाम्स में. बिकॉज आई हैव बीन गोइंग थ्रू सो मैनी एग्ज़ाम्स, मैंने जो है आपके इसमें भी कराए हैं, यूट्यूब चैनल पे भी कराए हैं, इवन मैं कोचिंग भी लेती हूँ एक कोचिंग सेंटर में, वहाँ पर भी लाइव मैंने काफ़ी चीज़ें कराई हैं. तो आई हैव लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंस. ठीक है, तो ऐसा नहीं समझिएगा कि ये नई नई है और ऐसे इस चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं है, बट ऐसा नहीं. चलो नेक्स्ट चलते हैं. सबसे पहले आते हैं रूसो की फिलोसफी पे. रूसो क्या कहते हैं, ठीक है, ये नंबर और आपका ये JRF Milestone दिया हुआ है यहाँ पे. ठीक है, इसको डाउनलोड कर लेना. एवरीथिंग इज गुड एज इट कम्स फ्रॉम द हैंड्स ऑफ ऑथर ऑफ नेचर. ये आता है कि जब भी हम नेचर में आते हैं सब कुछ अच्छा ही अच्छा होता है, बट एवरीथिंग डीजनरेट्स इन द हैंड्स ऑफ मैन. लेकिन जब मैन के हाथों में आता है तो वो डीजनरेट होने लगता है. ये सबसे पहला कोट यहाँ पर मैंने दिया था, ये मैंने फर्स्ट कोट रखा बिकॉज ये पूछा जाता है. ठीक है, ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया है इसलिए मैंने सबसे पहला कोट रखा, ये दिया था रूसो ने. जीन जो इनका फुल है जीन जैक्स रूसो वॉज बॉर्न इन इटली में बॉर्न हुए थे जून 17 में, 70s की बात है. वन ऑफ द फेमस फिलोसोफर रहे हैं जो कि नेचुरलिज्म स्कूल ऑफ थॉट को मानते थे एंड हिज आइडियाज ऑफ एजुकेशन क्लियरली अंडरस्टूड होते हैं कि
जो है बुक्स जो है क्लियरली अंडरस्टूड थ्रू द बुक्स जो है, उन्होंने 6 बुक्स जो है लिखी थी, जिसका नाम था प्रोग्रेस ऑफ आर्ट एंड साइंस, ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी अमंग मैन, डिस्कोर्स। ये डिस्कोर्स वाला जो बुक है ये भी पूछ ली जाती है, न्यू हेलोइज है, ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट पूछ लिया जाता है, और एमाइल। ये 3 बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद होनी चाहिए। एमाइल एनहांसेस जो है ऑफ ए स्कूल लाइफ में, एज अ टीचर्स यूज टू गिव कॉर्पोरल पनिशमेंट देती थी बच्चों को, एंड ही इज अफ्रेड ऑफ द टीचर्स, तो वो टीचर्स से अफ्रेड रहते थे। सो एज अ स्कूल एनवायरमेंट वॉज नॉट एमिकेबल टू द ग्रोथ ऑफ द चिल्ड्रन, इस एनवायरमेंट में बच्चे ग्रोथ नहीं कर सकते हैं, इसीलिए ही कंसिडर द स्कूल जो है एजुकेशन को नो यूज मानते थे, बिकॉज जब वहाँ पर टीचर पनिशमेंट दे रही है, ज़बरदस्ती बच्चों से पढ़ाया जा रहा है जो नहीं पढ़ना चाहते हैं, जो उनका फोर्टे नहीं है, जो उस चीज़ को पढ़ाना बच्चों के ग्रोथ के लिए अच्छा नहीं है, अकॉर्डिंग टू नेचुरलिज्म, अकॉर्डिंग टू रूसो। इंट्रोडक्शन की बात जहाँ करते हैं इस बुक में, एमआईएल जो बुक थी उनकी, इन द फील्ड ऑफ चाइल्ड एजुकेशन में उन्होंने जो है बुक लिखी थी, जहाँ पर ये डिस्क्राइब एज अ प्रोसेस, उन्होंने प्रोसेस डिस्क्राइब किया था थ्रू इमेजिनरी चाइल्ड, एक उन्होंने रखा एमआईएल जो हुआ इसके बंद था। ये एमआईएल जो बुक है ना, ये काफ़ी बारी पूछ ली जाती है, इसलिए यहाँ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने रखा कि एजुकेशन इज अ नेचुरल एनवायरमेंट अवे फ्रॉम द सोसाइटी एंड स्कूल। सो उसके बुक में क्या था, उसके साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स दिए थे कि बच्चा इस तरह के एनवायरमेंट में क्या सोचता है, कैसे प्रोग्रेस करता है, उसको फ्री एक्सप्लोर करने का मौका देना चाहिए, ये जोर देना चाहिए बच्चों को कि वो क्या करता है, अगर फिजिकली और मेंटली है इन द लैप ऑफ नेचर, तो उसको जो भी कॉन्सिक्वेंसेस हैं, जो भी चीजें हैं वो सीखना चाहता है, लेट देम फ्री, उनको करने दीजिए, ठीक है। ये थी माइल की बुक में। उसके बाद जो उनका कंट्रीब्यूशन आता है, व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ रूसो, ही डिस्कवर्ड एंड रिकॉग्नाइज्ड द चाइल्डहुड ट्रेट्स एंड ही एडवोकेटेड द बेसिस ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी। उन्होंने बच्चों की जो चाइल्ड साइकोलॉजी के साथ में है जो है वो डील किया कि कैसे बच्चे नेचर में रह के सीखते हैं, एंड दिस लीड टू द चाइल्ड सेंटर्ड। उन्होंने कहा एजुकेशन मस्ट बी चाइल्ड सेंटर्ड, ठीक है। उन्होंने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के विदाउट एनी इंस्ट्रक्शन या हेल्प, कि बच्चों को प्रॉब्लम को सॉल्व करने दीजिए, उसको एक्सप्लोर करने दीजिए एनवायरमेंट को, फ्री एंड पॉजिटिव डिसिप्लिन दीजिए, ठीक है। अगर वो गिरते हैं, मान लीजिए पेड़ पे वो एक फल को देखने जाते हैं, सो ही से लेट द चाइल्ड मूव फ्रीली इन द नेचर, में नेचर में उसको फ्रीली मूव करने दो, उसको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से सीखने दो थ्रू द एक्चुअल पार्टिसिपेशन इन डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज, की जो भी है उसे डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज में सीखने दो। दिस इज द स्टेटमेंट गिवन बाय रूसो। ही कंडेम्ड, उन्होंने कंडेम्ड किया पनिशमेंट को, विच डिस्ट्रॉय द ओरिजिनल एंड नेचुरल क्यूरियोसिटी। अगर हम बच्चों को पनिश करते हैं तो जो उनकी एक्चुअल क्यूरियोसिटी है ना, अगर जो उनकी एक्चुअल क्यूरियोसिटी है, नेचुरल जो उनकी क्यूरियोसिटी है वो डिस्ट्रॉय होती है, सो उनकी जो इंटेलेक्चुअल है ड्यू टू द फियर ऑफ पनिशमेंट, पनिशमेंट से उनकी वो चीज़ें क्या हो जाती है, फियर पैदा होता है। स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन अगर आप रखते हैं तो वो इन्फोर्स करता है बच्चों को, ठीक है। इस तरीके से वो कहते थे कि बच्चों को अगर हमें एजुकेशन देनी है तो लेट देम फ्री एंड लेट देम मूव अराउंड द वर्ल्ड, उन्हें मूव करने दीजिए, उसके जो भी कॉन्सिक्वेंसेस है लेट देम फेस इट, ठीक है। बाकी ये वाला जो स्लाइड है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम मार्क करते हैं। जैसे कि इन्होंने कहा कि एम्फेसिस दिया उन्होंने कि व्हाट आर द एम्स ऑफ एजुकेशन, द एम्फेसिस ऑन द नेचुरल एक्टिविटीज, बच्चों की जो भी नेचुरल एक्टिविटीज हैं लेट देम डू इट। अकॉर्डिंग टू द रूसो, रूसो कहते हैं गुडनेस इज द इननेट क्वालिटी ऑफ चिल्ड्रन, की अच्छाई जो है वो बच्चे के अंदर ऑलरेडी होती है, लेकिन जैसे जैसे वो सोशल एनवायरमेंट में आता है, चीज़ें देखता है, समझता है, ऑल दैट गुड जो है विच वी गेट फ्रॉम द नेचर, और ये सभी अच्छाई हमें कहाँ से मिलती है, नेचर से मिलती है। चाइल्ड जो है एज अ सेंटर ऑफ एजुकेशन, जो बच्चा है वो एजुकेशन का सेंटर होता है, उसके सब दिमाग में होता है वाइल्ड प्लानिंग द एजुकेशन। सो चाइल्ड इज नॉट अ यंग एडल्ट, वो एक यंग एडल्ट नहीं है, धीरे धीरे करके वो चीज़ों को सीखना सीखता है। इट दे एम्फेसिस ऑन द नेचर, एजुकेशन जो है एम्फेसिस होती है नेचर के ऊपर, जहाँ वो ये कहते हैं कि जो नेचर है, ह्यूमन है और फिजिकल एनवायरनमेंट है, दे आर द सोर्स ऑफ एजुकेशन। सो हमें लर्निंग बाय डूइंग या गेटिंग एक्सपीरियंस फ्रॉम दीज एनवायरमेंट, हमें जो टीचर है देयर शुड बी जस्ट नॉट प्लेइंग द गार्डनर, वो गार्डनर की तरह काम ना करे। जैसे एक प्लांट होता है डेवलप थ्रू केयर एंड न्यूट्रिशंस, एंड ह्यूमन डेवलप थ्रू द एजुकेशन। सो चिल्ड्रन मस्ट रियलाइज, उसको बच्चे को रियलाइज करने दीजिए कि उसकी वीकनेसेस क्या हैं, उसकी इनएबिलिटीज क्या हैं, उसकी डिपेंडेंस क्या है। लेट देम फ्री, लेट देम, उनको उनके कंफर्ट जोन, उनकी लग्जीरियस लाइफ, उनकी वीकनेस से हमें बाहर निकालना है, और वो तभी पॉसिबल है जब हम उनको खुला छोड़ देंगे, उनको उनके हाल पर छोड़ देंगे, उनको लेट देम फ्री, उनको फ्री कर देंगे, ठीक है। उन्होंने कहा नेचुरल एजुकेशन जो है वो एक रियल एजुकेशन है, जो आर्टिफिशियल एजुकेशन जो स्कूल्स में आजकल इम्पार्ट की जा रही है वो एक जस्ट जस्ट वो क्रिटिसाइज करते थे उसको।
देन उसके बाद आता है डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड की इनर जो फैकल्टीज हैं, इनर फैकल्टीज हैं उसमें उन्हें क्या करना है, उनको पावर मिलती है, उनको डेवलप करना है इनर फैकल्टीज को. फिर डिफरेंट एम्स उन्होंने डिफरेंट एज के लिए अकॉर्डिंग डिफरेंट स्टेजेस पे दे रही, से डेवलपमेंट ऑफ वेल रेगुलेटेड फ्रीडम होना चाहिए, रेगुलेटेड फ्रीडम देना चाहिए, स्ट्रेंथ देनी चाहिए बच्चे को. रेगुलेटेड फ्रीडम छोटे बच्चों के लिए रखते हैं क्योंकि वो छोटे होते हैं, इन्फेंसी है ना, और जब चाइल्डहुड स्टेज आती है तब हमें उनको स्ट्रेंथ देना चाहिए, और जब वो एडोलेसेंट की एज में रहते हैं तो हमें उन्हें इमोशनल, मॉरल और रिलीजियस डेवलपमेंट की तरफ मूव करना चाहिए. तो दिस इज़ अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट. ठीक है, अब आ जाओ, जैसे कि ही गेव द थ्री फंडामेंटल फंडामेंटल्स दिए उन्होंने. पहला फंडामेंटल दिया आइसोलेशन फ्रॉम द सोसाइटी, जिस सोसाइटी में रह रहे हैं वहाँ पे आइसोलेट, मतलब उन्हें खुला छोड़ दो, वहाँ की सोसाइटी को समझने दो, वहाँ के एक्सपीरियंसेस लेने दो, ठीक है, जो भी लॉज ऑफ नेचर है वो अंडरस्टैंड करने दो. सेकेंडली इननेट जो टेंडेंसीज हैं ऑफ द चाइल्ड की, इननेट टेंडेंसी अकॉर्डिंग टू हिम जो टेंडेंसीज हैं, प्रिमिटिव इमोशंस होते हैं, इंस्टिंक्टिव जजमेंट्स होते हैं, नेचुरल इंस्टिंक्ट्स होते हैं, उनको रिलायबल बेस देना है. सो जो कॉन्टैक्ट है विद द नेचुरल एनवायरनमेंट के साथ में, एजुकेशन इज टू मेक द कॉन्टैक्ट विद नेचुरल एनवायरनमेंट, उसको नेचुरल एनवायरनमेंट में पैदा होना है, नेचुरल एनवायरनमेंट सीखना है, उसको उस कॉन्टैक्ट में रहने दीजिए उस नेचुरल एनवायरनमेंट के. ठीक है, ये सब घूम फिर के वही नेचुरल एनवायरनमेंट की बात करता है. जब उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया एजुकेशन का, उन्होंने कहा एजुकेशन सीखे बच्चा नेचर से, एजुकेशन ले फ्रॉम मैन से, एजुकेशन ले चीज़ों से सीखे, इस तरह के एजुकेशन पे फोकस किया. कि उन्होंने कहा डेवलपमेंट ऑफ जो चाइल्ड का नेचुरल टेंडेंसीज है या उसका जो नेचुरल इंटरेस्ट है ना, उसको टॉप प्रायोरिटी मिलनी चाहिए, जो उसका नेचुरल इंटरेस्ट है. उसके बाद सोशल कॉन्टैक्ट में आना चाहिए, वेरियस ग्रुप्स के साथ में कॉन्टैक्ट करना चाहिए. इट कंसिस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, कि जितनी ज़्यादा वो एक्विजिशन करेगा नॉलेज का उतना बेहतर वो सीखेगा. सो रूसो ने सजेस्ट किया कि प्रैक्टिसेस हमें एजुकेशन में देनी, जहाँ पे हमें किसी भी तरह का फिजिकल पनिशमेंट इम्पोज नहीं करना है. ठीक है, और जो है कम्प्लीट फ्रीडम हमें बच्चे को देनी है सीखने के लिए. करिकुलम के लिए बहुत अच्छे से उन्होंने एज वाइज, मतलब इन्फेंसी स्टेज स्टेज वाइज उन्होंने दिया, जहाँ पे उन्होंने बच्चों के लिए, मैंने पीछे भी बात की थी, बच्चों के लिए उन्होंने रिस्ट्रिक्टेड फ्रीडम की बात की थी, कांस्टेंट एक्सरसाइज की जाए, मेकिंग देम स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी बनाए. जो छोटा थोड़ा सा बच्चा हो जाता, मतलब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है, चाइल्डहुड स्टेज पे आता है, तो इंटेलेक्ट, कोई वर्बल लेसन्स नहीं देना है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिजिकल एक्सरसाइज, दे आर द कोर ऑफ करिकुलम. जब वो बॉयहुड की स्टेज में आता है तो फिजिकल साइंस, लैंग्वेज, मैथमेटिक्स है, होमवर्क है, सोशल रिलेशंस है, ड्राइंग है, इस तरह की स्टेज पे उसको सिखाया जाता है. एंड जो एडोलेसेंट स्टेज है, स्ट्रेस लिया जाता, स्ट्रेस जो है वो मॉरल और रिलीजियस एजुकेशन पे ज़्यादा रहता है. तो इस तरीके से उन्होंने स्टेज वाइज दिया. अब टीचर ने, जब बार बार हम फ्रीडम की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम उस टीचर को ना एक हाई प्लेस नहीं देते हैं, हाई प्लेस नहीं, जैसे आइडियलिज्म में दिया जाता है, गुरु ब्रह्मा कहते हैं ना कि सभी है गुरु, तो वो प्लेस यहाँ रूसो नहीं देते हैं. टीचर शुड सी कि एजुकेशन जो है वो फ्री डेवलपमेंट की तरफ जा रही है, फ्री मोटिव दे रही है, इतना वो देख सकती है, बल्कि उसको एक सूटेबल अपॉर्चुनिटीज भी दे सकती हैं, बल्कि उन्हें प्रोटेक्ट द चाइल्ड फ्रॉम द डिप्रेशन. जैसे कि एक साइड बैक होता है ना, कि अगर बच्चा फॉल हो गया है ना, या अच्छा डिप्रेशन में जा रहा है, तो उस टाइम पे टीचर जो है मदद कर सकती है. मेंटल डिसऑर्डर्स है उसमें टीचर मदद कर सकती है, सही रास्ता दिखा सकती है, लेकिन चलना स्टूडेंट्स को ही है. टीचर इज नॉट द सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, टीचर कोई सोर्स नहीं है, बट मस्ट एक्ट एज अ मोटिवेटर फॉर लर्निंग, लेकिन एक मोटिवेटर की तरह काम कर सकती है. सो चिल्ड्रेन शुड नॉट बी डायरेक्टेड बट गाइडेड, टीचर क्या होती है उसको डायरेक्ट नहीं करती है, इट शुड नॉट बी डायरेक्टेड, वो सिर्फ बच्चे को गाइड कर सकती है इन द रूसोस फिलोसफी. सो टीचर मस्ट अंडरस्टैंड, टीचर जो है बच्चे के नेचर को, बच्चे की साइकोलॉजी को, बच्चे के इमोशंस को समझे, और वो बच्चे को पूरा फ्रीडम दे एक्सप्लोर और लर्निंग कर. ठीक है, यस, मेथड्स करते हैं, ये काफ़ी डिटेल में मैंने इसमें डाला था, तो देख लेते हैं. इन्फेंसी की जब 0 to 5 ईयर्स की एज होती है, छोटे बच्चे होते हैं, उस टाइम पे करिकुलम जो होता है वो सेंसेस के थ्रू बच्चे को दिया जाता है, मदर टंग में दिया जाता है. इवन जो है किसी भी तरह की जो बैड हैबिट्स है उसको दूर रखा जाता है. इसमें कौन से मेथड्स टीचर यूज़ कर सकती है, यानी कि ट्रेनिंग ऑफ सेंसेस या काउंसलिंग मेथड, समझा सकती है बच्चे को कि ऐसे करो, ऐसे नहीं करो, ऐसे करना चाहिए, आपको ये जो है रास्ते पर जाना चाहिए. लेकिन जब बच्चा 5 से 12 साल का होता है, चाइल्डहुड स्टेज पर होता है, वहाँ पर जो लर्निंग होती है एवरीथिंग थ्रू द डायरेक्ट एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेशन, बच्चे को
डायरेक्ट एक्सपीरियंस दिया जाता है, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन दिया जाता है, किसी भी तरह की बुक्स नहीं होती है। नेगेटिव एजुकेशन भी आने वाली स्लाइड्स में पढ़ेंगे। एंड फ्री प्ले होता है, जिसमें जैसे भी खेलना चाहे खेल सकता है। किसी भी तरह का रिजिड करिकुलम यहाँ नहीं होता है। यहाँ पे प्ले वे मेथड यूज़ किया जाता है, प्रैक्टिकल वर्क्स दिए जाते हैं, सेल्फ लर्निंग की जाती है, बच्चे खुद से भी पढ़ते हैं, लर्निंग थ्रू सेल्फ एक्सपीरियंस खुद करके भी देखते हैं। जब बच्चा थोड़ा सा ये कोई ओके फिर से आ गए, फिर आते हैं एडोलेसेंस की जो एज होती है, एडोलेसेंस की एज होती है, सजेस्ट करता है फॉर्मल करिकुलम को, जहाँ पर वो नेचुरल साइंस पढ़ता है। थोड़ा सा फॉर्मल करिकुलम लेते हैं कि हर बारी, क्योंकि बच्चे को थोड़ा सा सेट थोड़ा सा हमें मैनेज करना होता है। मैथमेटिक्स है, म्यूजिक है, इसमें भी हम लर्निंग बाय डूइंग बच्चे को सॉल्व देते हैं, मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स देते हैं, एप्लीकेशन वाइज देते हैं, उनको ऑब्जर्व करते हैं। लेकिन जब और बच्चा बड़ा हो जाता है, 15 से 20 साल का हो जाता है, उस टाइम पर हमारा जो मॉरल फोकस होता है बच्चे को मॉरल और रिलीजियस एजुकेशन देना, ठीक है, जिसमें वो जो है बॉडीली हेल्थ, म्यूजिक एंड हैंड्स ऑन एक्टिविटीज करें, जिसमें हम ह्यूरिस्टिक मेथड यूज करते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन जो है ऑफ द रियल ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं। तो ये थे मेथड्स ऑफ टीचिंग अकॉर्डिंग टू द रूसो, ठीक है। जैसे मैंने कहा नेगेटिव एजुकेशन पढ़ता है, नेगेटिव एजुकेशन होता है जहाँ पर वो पॉजिटिव एजुकेशन के साथ कंपेयर किया हुआ है, कि जैसे फॉर्मल और जो रिजिड एजुकेशन है ट्राइज टू प्रिपेयर द चाइल्ड फॉर एडल्ट रोल के लिए तैयार करता है, रिजिड करिकुलम पहले टाइम से पहले ही उसको एक मेच्योर ले जाता है जहाँ पे आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में बच्चे सीख रहे होते हैं। तो उन्होंने कहा कि नो लर्निंग थ्रू बुक्स, उन्होंने नो नेगेटिव बात की कि ना तो कोई हैबिट फॉर्मेशन होनी चाहिए, ना ही कोई टाइम सेविंग, यानी कि इनफ टाइम होता है बच्चों के पास अपने नेचर में जीने के लिए। तो ऐसा कोई नहीं कि टाइम बाउंडेशन हो कि इतना ही इतना सीखना है। कोई भी सोशल जो एजुकेशन है बच्चे को ना दी जाए कि अपर क्लास सोसाइटी ऐसी होती है, लोअर क्लास ऐसी होती है, किसी भी तरह का हमें सोसाइटी के बारे में नहीं, उसको खुद ही रियलाइज करने दो। डायरेक्ट मॉरल एजुकेशन नहीं देना है, स्ट्रिक्ट एंड फॉर्मल डिसिप्लिन नहीं देना है, ट्रेडिशनल एजुकेशन मेथड यूज नहीं करना है। तो जो ये नोनो का कॉन्सेप्ट है ना, नोनो का कॉन्सेप्ट यहाँ पे इसको नेगेटिव एजुकेशन रखा गया है, कि ये जो ये दे एडवोकेट करते थे कि जो नेगेटिव एजुकेशन है ना, रूसो एम्फसाइज करते थे फॉर ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस। फिर उन्होंने कहा वुमेन एजुकेशन, ये दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, बिकॉज ये क्वेश्चन आया था कि जो वुमेन एजुकेशन है, कि ही वॉज नॉट फेवर इन द सेम एजुकेशन मैन और वुमेन। ये वाला जो कॉन्ट्रोवर्शियल पॉइंट है ना, ये प्रीवियस ईयर में काफ़ी बारी पूछा गया। तो ही बिलीव, तो वो बिलीव करते थे कि जो उनका नेचर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ना, उनका भी अलग होती है, मैन का अलग है, वुमेन का अलग है, तो उनकी सेम एजुकेशन देना पॉसिबल नहीं है। सो ही सेड कि जो वुमेन होती है ना, उनका उनका जो बॉर्न बचपन से ही वो सर्व करना उनकी प्रकृति है, और मैन का इंजॉय करना प्रकृति है। सो जो रोल ऑफ वुमेन होता ना, इज टू ब्रिंग अप द चिल्ड्रन, को बड़ा करना, ग्रो करना, एडल्ट बनाना, तो उनके बारे में ये बोला गया। तो इंस्टेड ऑफ प्रोवाइडिंग वुमेन विद हायर एजुकेशन देने की बजाय, हमें उनको एक हाउस होल्ड चीज़ें, स्टिचिंग, एम्ब्रॉयड्री, एजुकेशन, ये सब देना चाहिए। सो रूसो ने ये भी कहा कि अ मैन ऑफ लिटरेरी एजुकेशन इज अ प्लस ऑफ हर फैमिली, सो हर सर्वेंट्स एंड एवरीबडी, सो इट नीड्स द क्रिटिकल रिफ्लेक्शन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रेजेंट डे सोसाइटी विद टेक्निकल एंड एनलाइटेड सोसाइटी। तो दिस इज द कॉन्ट्रोवर्शियल पार्ट, और ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया था कि वुमेन एजुकेशन के सपोर्टर नहीं है, कौन नहीं चाहता कि इक्वल एजुकेशन जो है मिले वुमेन और मैन को, तो वो थे रूसो, ठीक है जी। तो दिस इज ऑल अबाउट द रूसो। कुछ और पॉइंट्स अगर आपको डिस्कस करने हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आई विल डिस्कस इट लेटर इन अनदर सेशन या अनदर पार्ट में मैं जरूर डिस्कस करूंगी। तो हमारी नेक्स्ट थ्योरी आती है डीवी की थ्योरी है, कर लेते हैं वो भी। डीवी का आप टाइम देख सकते हैं, वो जो रूसो थे वो 70s के थे, एंड आर 80s में उनका टाइम पीरियड है, इवन 1952 तक भी जॉन डीवी थे, ठीक है। सो एजुकेशन इज नॉट द प्रिपरेशन फॉर लाइफ, एजुकेशन को ये सब लाइफ के लिए प्रिपेयर करना नहीं है, एजुकेशन इज लाइफ इट्सेल्फ, वो खुद ही एक लाइफ है। दैट मीन्स आप होल लाइफ एजुकेशन पढ़ते हो और लेते है ना। सो एजुकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ लिविंग है, नॉट द प्रिपरेशन फॉर फ्यूचर लिविंग। तो ये अलग ही कॉन्सेप्ट है जो डीवी ने दिया था, ठीक है, और उसे अलग मैं कहती हूँ। नेक्स्ट आते हैं जॉन डीवी के पॉइंट्स क्या थे। जॉन डीवी कहते थे प्रोबेबली मोस्ट फेमस फॉर हिज रोल इन द कॉल्ड प्रोग्रेसिव एजुकेशन, ही हैज गिवन द प्रोग्रेसिव एजुकेशन, जिसमें उन्होंने कहा कि दे एम्फसाइज कि हमें जो लर्निंग बाय डूइंग की बहुत नीड है, प्रोग्रेस करने की बहुत ज़रूरत है, हैंड्स ऑन अप्रोच की बहुत ज़रूरत है। तो प्रैग्मेटिस्ट बिलीव करते थे कि जो रियलिटी होनी चाहिए मस्ट बी एक्सपीरियंस्ड, एक्सपीरियंस्ड होनी चाहिए।
सो डीवी के एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से वो ये कहते थे कि स्टूडेंट मस्ट इंटरैक्ट करे अपने एनवायरनमेंट के साथ इन ऑर्डर टू अडैप्ट देम। ये पीछे एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर मैंने करा रही थी, उसमें एक क्वेश्चन आया था कि अगर हम पर्सनल मतलब अगर हम एक ह्यूमन बींग को उसके सोशल एनवायरनमेंट से अलग कर दें और उसको एजुकेशन दें तो इट वुड बी पॉसिबल है कि नहीं है। और इसके जो है अगेंस्ट किसने बोला था, ये जॉन डीवी ने बोला था कि हमें अगर स्टूडेंट्स को इंटरैक्ट कराना है, बातचीत करानी है, उसका मेंटल डेवलपमेंट करना है तो हमें उसको एनवायरनमेंट में डालना हो। डीवी फेल्ड करते हैं सेम आइडिया वॉज ट्रू फॉर द टीचर्स एंड दैट टीचर्स एंड स्टूडेंट्स मस्ट लर्न टुगेदर। यस दिस इज की पॉइंट है कि एक स्टूडेंट को एक टीचर को साथ में लर्न करना चाहिए, साथ में चीज़ें करके देखनी चाहिए, साथ में इंटरैक्ट करना चाहिए ताकि उनका जो सोशल एनवायरनमेंट है वो अच्छे से डेवलप हो। उनकी फिलॉसफी के अकॉर्डिंग कंसीडर इनको फादर बोला गया एक्सपीरियंशियल एजुकेशन का। सो डीवी की जो फिलॉसफी थी लर्निंग की थ्रू एक्सपीरियंस वेंट अगेंस्ट द ट्रेडिशनल एंड फोकस्ड ऑफ एक्सपीरियंशियल एजुकेशन। जहाँ वो इनकरेज करते हैं दे एनकरेजिंग द एजुकेटर्स टू प्रोवाइड द क्वालिटी एजुकेशनल एक्सपीरियंस। हमें चाहिए कि जो टीचर्स हैं प्रोग्रेसिव एजुकेशन जैसे हमने इन्होंने पहले ही बात की थी प्रोग्रेसिव एजुकेशन। तो मैं स्लाइड चेंज करूं, हाँ बात की थी प्रोग्रेसिव एजुकेशन की, तो इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल कि स्पेशली ये कहते हैं एजुकेशन मस्ट प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर एक्टिव पार्टिसिपेशन इन डेमोक्रेटिक सोसाइटी। प्रोग्रेसिव एजुकेशन होता है पार्टिसिपेशन इन ग्लोबल सोसाइटी। ठीक है, ये होता है प्रोग्रेसिव एजुकेशन का। एंड अनदर वन इज एक्सपीरियंशियल एजुकेशन गिवन बाय डीवी। According to him, John Dewey की experiential theory कहती थी कि everything occurs within social environment. Yes, जैसे मैंने आपको बताया ना कि everything occurs in social everything occurs in social environment. जॉन डीवी को फाउंडर भी बोला गया था एक्सपीरियंशियल एजुकेशन का, क्या जहाँ पर इंपॉर्टेंस ऑफ हैंड्स ऑन लर्निंग और रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस के ऊपर उन्होंने फोकस किया था। इसीलिए जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग का उनको फाउंडर फादर जो भी आप बोल सकते हैं वो, मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि उनके फोर प्रिंसिपल्स हैं, उन्होंने फोर प्रिंसिपल्स के ऊपर बात की थी। हेलो यस, तो उनके जो फोर प्रिंसिपल्स हैं डीवी के फोर प्रिंसिपल्स रहे वो रहे यूटिलिटी। डीवी के फोर प्रिंसिपल्स हैं दैट इज द यूटिलिटी, इंटरेस्ट कि बच्चे के अंदर मतलब जो भी एजुकेशन है वो बेस्ड होनी चाहिए यूटिलिटी पे, फिर इंटरेस्ट बेस्ड होनी चाहिए, फिर एक्सपीरियंस बेस्ड एंड इंटीग्रेशन बेस्ड। ये चार प्रिंसिपल्स हैं, ये चार प्रिंसिपल्स के बेसिस पर उन्होंने एजुकेशन दी थी। प्लस एक्सपीरियंशियल मैं बार बार बोल रही हूँ, उन्होंने कहा एवरीथिंग अकर्स इन द सोशल एनवायरनमेंट फर्स्ट, ये जॉन डीवी के पॉइंट ऑफ व्यू में बता रही हूँ। प्लस उन्होंने कहा हैंड्स ऑन एक्टिविटीज होनी चाहिए, चीज़ों को करके हमें बच्चे को दिखाना है, करके देखे बच्चा। उनका बिलीफ क्या था कि एथिकल वैल्यूज होनी चाहिए, प्लस लिबर्टी दो, इक्वालिटी दो, जस्टिस दो। सो डेमोक्रेटिक वैल्यूज में सपोर्ट करते थे इस विश्वास का कि जो सोसाइटी है कैन एग्जिस्ट इन विच फ्रीडम इज प्रिजर्व, कि वो सोसाइटी हमें देनी है जिसमें फ्रीडम भी हो, लोगों को अपने सोचने की आज़ादी भी हो।
ही बिलीव्ड इन द लर्निंग वॉज एक्टिव. अकॉर्डिंग टू हिम लर्निंग क्या होनी चाहिए, एक्टिव होनी चाहिए. स्कूल ऐसा नहीं बहुत लंबे आवर्स के लिए हो, या जो है बच्चों को हमें देना है रियल लाइफ टास्क, उनको चैलेंजेस देने हैं ताकि बच्चा सीखे. ये रही प्रोग्रेसिव एजुकेशन के बारे में, और जानकारियाँ ले सकते हो कि प्रोग्रेसिव जिसमें सोसाइटी की बात की है कि एजुकेशनल जो मूवमेंट है गिव्स मोर वैल्यूज जो है एक्सपीरियंस को देता है, जहाँ पर बच्चा सोशल एनवायरमेंट में एक्सपीरियंस करके सीखता है चीज़ों को. ठीक है, उसके बाद अगर हम अगर डिफरेंस करें कि प्रोग्रेसिव और ट्रेडिशनल में डिफरेंस क्या है, तो आप यहाँ देखो जो ये फॉर्मल है उसमें पैसिव एजुकेशन दे रहे थे, आइसोलेट एजुकेशन होती थी पहले फॉर्मल ट्रेडिशनल में, कॉम्पिटिटिव होती थी या डिलीवर, सिर्फ डिलीवर दिया और हो गया काम, और स्टैंडर्डाइज होती थी. लेकिन अब वो एक्टिव भी है, सोशल भी है, कोलाबोरेट एजुकेशन देते हैं, कंस्ट्रक्टिव, बच्चों को चीज़ें कंस्ट्रक्ट करने का मौका देते हैं, एंड पर्सनलाइज्ड एजुकेशन, दैट मीन्स बच्चा जो है सेल्फ स्टडी करना सीखता है, सेल्फ जो है डायरेक्टेड एजुकेशन सीखता है. राइट, अब एक्सपीरियंशियल जैसे अभी हमने पहले किया कि एक्सपीरियंस करके हैंड्स ऑन थ्रू सेंसेस के थ्रू हमें एजुकेशन लेनी है. बच्चे को जो है जितना जल्दी अपने हाथ से चीज़ें करके देखेगा उतना जल्दी एजुकेशन, मतलब तो उतना जल्दी चीज़ों को सीखेगा. अगर आप इस चार्ट को देखना चाहते हो, देखो कि थ्योरी ऑफ एक्सपीरियंस कहता है कि क्वान्टिटी हो, इंटरेक्शन हो. मैंने अभी आपसे चार प्रिंसिपल्स की बात की थी ना, फर्स्ट मैंने कहा था यूटिलिटी हो, इंटरेक्शन हो, मतलब चीज़ों के साथ वो इंटरेक्ट करके देखें, इंटरेस्ट हो और एक्सपीरियंस हो, इंटरेस्ट हो, एक्सपीरियंस हो, इंटीग्रेशन हो, चीज़ों के बीच में इंटीग्रेशन हो. तो ये है पावरफुल एक्सपीरियंसेस हैं द रिजल्ट ऑफ टू फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, कॉन्टिन्यूटी एंड इंटरेक्शन. ये चीज़ों में क्वान्टिटी हो कि पास्ट प्रेजेंट और जो उसका जो फ्यूचर है वो अफेक्ट करे. ठीक है, हम हर एक एक्सपीरियंस को पॉजिटिव या नेगेटिव तरीके से समझने की कोशिश करें तो देयर शुड बी अ क्वान्टिटी. इंटरेक्शन हो, चीज़ों को करके देखना, एक्सपीरियंस लेना कि इफ टीचर हैव अ पॉजिटिव इंटरेक्शन विद द लर्नर, कि अगर टीचर का एक पॉजिटिव इंटरेक्शन होगा अच्छे से होगा तो बच्चे जल्दी सीखते हैं, जल्दी उस चीज़ को पकड़ते हैं. अब टीवी के अकॉर्डिंगली एम कहता था कि क्या हो, प्रोसेस ऑफ ग्रोथ हो, एजुकेशन कैसा हो, लाइफ इज एजुकेशन हो, टूवर्ड्स सोशल एफिशिएंसी हो, और इन द बेसिस ऑफ फिलोसफी हो. तो ये थे टीवी के एम्स. एक्सपीरियंशियल एजुकेशन के बारे में उन्होंने विश्वास जैसे बार बार वही चीज़ें हैं, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज, इंस्ट्रूमेंटलिज्म इज अ थ्योरी ऑफ नॉलेज दैट इज क्रिएटेड बाय टीवी. तो हमने यहाँ पर सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पढ़ी थी वो पढ़ी थी प्रोग्रेसिव एजुकेशन, सेकेंडली हमने जो यहाँ पर पढ़ी थी वो पढ़ी थी एक्सपीरियंशियल, जो थर्ड अभी हमने पढ़ी है इंस्ट्रूमेंटल. ठीक है, इंस्ट्रूमेंटलिज्म. सो रिवी थॉट की जो पीपल है लर्न द बेस्ट थ्रू एक्सपीरियंस से, क्योंकि इसमें इट नीडेड कंसिस्टेंटली चैलेंज्ड एंड एक्सपेरिमेंटेड ऑन, क्योंकि लाइफ में एक्सपीरियंसेस करने का मौका बहुत मिलता है. तो बच्चों को हमें उस एक्सपीरियंस को कैसे फेस करना है और उसे कैसे थ्रू आउट लाइफ जो है उसे जीना है, वो चीज़ें हमें एजुकेशन के थ्रू बच्चों को देनी है. उनके जो प्रॉब्लम सॉल्विंग के स्टेप्स थे, तब उन्होंने जो कहा कि सबसे पहले अपनी प्रॉब्लम को डिफाइन करके देखो, उसको एनालाइज करो कि इस प्रॉब्लम से हम कैसे डील कर सकते हैं, एक क्राइटेरिया डिटरमाइन करो कि हाँ ये एक ऑप्टिमल सोल्यूशन डिफाइन करो कि ये हो सकता है. उसके बाद सोल्यूशन को लगा कर देखो, उसको एक बार इवेलुएट करो कि हाँ यही सोल्यूशन है या नहीं है, और अगर है तो उसको सेलेक्ट कर लो, एंड देन सेलेक्ट द स्ट्रैटेजीज टू इम्प्लीमेंट दैट सोल्यूशन. अब वो स्ट्रैटेजीज लगाओ कि उसको कैसे लगाना है. तो ये सब इनके स्टेप्स हैं. राइट, डीवी ने स्कूल के बारे में बताया कि डीवी कहते थे जो स्कूल है ना वो एक फॉर्म ऑफ कम्युनिटी लाइफ है, जहाँ पर एजेंसी है एक तरह की जो कि मोस्टली कॉन्सेंट्रेट करती थी कि कैसे बच्चों की जो है शेयर कराया जाए इनहेरिटेड रिसोर्सेज को, उसके अकॉर्डिंगली रेस के अकॉर्डिंग, मतलब जिस रेस का वो है, जिस क्लास का वो है, उसी क्लास की जो धरोहर है उनको स्कूल में दी जाती थी, ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू. And his own powers for social ends. So DV stressed करते थे importance of education को in school में, not only as a place to gain the content knowledge, कि हम school को एक content knowledge देने का माध्यम ना समझें. तभी वो कहते हैं बार बार कि चीज़ों को करके देखें, लिव करके देखें चीज़ों को, ऐसा नहीं कि बस वहाँ बैठे और passively information लेके चलते गए, ऐसा नहीं होना चाहिए. तो उनके accordingly जो है जो experimental schools हैं, ठीक है, उनके बारे में उन्होंने कहा कि जो 4 से 5 साल का बच्चा होगा उसे कुकिंग, कार्पेंट्री, नीडल वर्क, 6 ईयर्स का बच्चा है दे विल द फार्म ऑफ वुड,
प्लांटेड वीट कैसे वीट करते हैं, दे सोल्ड देयर प्रोडक्ट्स कैसे सोल्ड करते हैं, 7 ईयर्स के बच्चे को और अच्छे से नेविगेट करके बता सकते हो चीज़ें, फिर 9 ईयर्स के बच्चे को लोकल हिस्ट्री या जोग्राफी है उसकी नॉलेज देना, तो ये एक स्टेज वाइज 10 ईयर्स के जो बच्चे होंगे उन्हें कॉलोनियल हिस्ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन देना है, 10 से 11 बच्चे को एक एक ईयर वाइज जो है उनके करिकुलम को डिसाइड किया गया, राइट। अब करिकुलम कैसा होना चाहिए, करिकुलम वैसा होना चाहिए, उन्होंने कहा करिकुलम सेंटर्ड एजुकेशन नहीं, हमें स्टूडेंट सेंटर्ड एजुकेशन देनी है। तो डीवी कहते हैं कि एजुकेशनल का जो स्ट्रक्चर है दैट मेक्स द बैलेंस, जो बच्चे और उसके करिकुलम में बैलेंस बना के रखे, एंड देयर शुड बी अ फ्लेक्सिबल, क्या होना चाहिए, फ्लेक्सिबल हो जो उसकी सोशल लाइफ को रिफ्लेक्ट करे। इस तरीके से उन्होंने रिजेक्ट किया कि करिकुलम सेंटर्ड एजुकेशन का हमें कुछ नहीं करना है, एजुकेशन वो देनी है जो बच्चों के अकॉर्डिंगली चले। इवन उन्होंने कहा इंटीग्रेशन होना चाहिए एक्टिव करिकुलम का, एक्टिव मतलब लाइव क्लासेस रखें, लाइव चीज़ों पर एक्सपीरियंस करके बच्चा सीखे उस बारे में। फिर टीचर का क्या रोल है यहाँ पे, वी बिलीव कि जो टीचर है, टीचर का जो रोल होगा शुड बी दैट ऑफ फैसिलिटेटर का होगा, गाइड का होगा, क्योंकि जो टीचर है कम्स अ पार्टनर इन द लर्निंग प्रोसेस में, टीचर जो है वो सिर्फ एक पार्टनर है जो कि बच्चे को स्टूडेंट्स को इंडिपेंडेंटली डिस्कवर करने का मौका दे रही है। सो टीचर्स आर ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर अचीविंग द गोल्स ऑफ स्कूल, बट स्पेसिफिक टॉपिक्स ऑफ सूटेड मीट द गोल्स एंड कैन नॉट बी डिटरमाइंड इन एडवांस, कि हम जो भी गोल्स हैं हम उनको प्री डिटरमाइंड नहीं कर सकते, तो हमें गोल्स को अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन डिफाइन करना चाहिए, ठीक है। एंड यस, चलते चलते क्वेश्चन कर लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फिलोसफी ऑफ जॉन डीवी, जॉन डीवी की इसमें से कौन सी फिलोसफी नहीं है। उन्होंने कहा ट्रुथ जो है क्या वो सच है, क्या वो यूटिलिटी है, ट्रुथ की यूटिलिटी होनी चाहिए, या एक्सपीरियंस तो होना चाहिए थॉट में, और जो रिएक्शन होता है वो अलग अलग है, जो आपने सोचा है और जो रिएक्ट आप कर रहे हो वो इनसेपरेबल है, या थॉट या एक्शंस आर इनसेपरेबल है, मतलब इनको अलग नहीं किया जा सकता, तो इनके अकॉर्डिंगली क्या फिलॉसफी है, तो उसका करेक्ट आंसर आप लगाएंगे ट्रूथ। ठीक है जी, सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर द टुडे सेशन, हैव अ नाइस डे गाइस, एंड प्लीज जो है सेशन को लाइक कर दीजिएगा, एंड फर्दर मोर अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए, मोर रिस्पॉन्सेज आर वेलकमिंग, रिस्पॉन्सेज दीजिए ताकि पता चले आप मेरे लेक्चर्स को एंजॉय कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे।